वेलकम बैक टू राय कपल चैनल, सॉरी, वेलकम बैक टू रौनक राय चैनल। सो गाइस, आज होने वाला 250 रुपए वाली स्टोरी, और 250 रुपए वाली स्टोरी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो पैसे से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा चीजें है। 250 रुपए मतलब क्या है ये 250 रुपए, पैसा क्या है, किस क्या है स्टोरी में। सो गाइज, ये 250 रुपए मेरी सबसे पहली इनकम थी जो मैंने पहली बार कमाया था, तो ये 250 रुपए मेरी वो पहली इनकम है, ठीक है। और जो मैंने अपनी स्टोरी जर्नी शुरू की थी, तो मेरी एक लाइफ है स्ट्रगल वाली, थोड़ी बीती थी, तो उसकी एक स्टोरी है, तो वही मैं आप लोगों को आज सुनाने वाला हूँ। और मुझे पता आप लोगों ने भी, आप लोगों की लाइफ में भी ऐसी स्टोरी होगी जिसमें आप लोगों ने स्ट्रगल किया होगा किसी ना किसी तरीके से। हर कोई अपने लाइफ में हीरो होता है, तो आप लोग भी अपने लाइफ में हीरो होंगे, मैं भी अपनी लाइफ में हीरो हूँ ये भी, और मम्मी तो है ही हीरोइन। स्टोरी शुरू होती है मम्मी के पास से, तभी यहाँ मम्मी बैठी हुई है, वरना मम्मी पहले ही चली जाती है ना, जैसे मैंने पहले ही बताया। भूख लगी बहुत तेज, बहुत तेज भूख लगी है मम्मी को, तो मम्मी पहले ही निकल जाती, लेकिन मम्मी बैठी है तो अच्छा लगता है कि चलो मम्मी बैठी है। तो मम्मी से स्टोरी शुरू होती है, 250 रुपए स्टोरी। एक्चुअली क्या था, सिनेरियो ऐसा था कि मैं था 8-9 क्लास में था, तो मेरे को ना ट्यूशन पढ़ना था, तो 8 में था हाँ, तभी आपको बैठाया मम्मा करेक्ट करने के लिए, मम्मी करेक्ट करेगी ना। तो 8 में था, तो ट्यूशन पढ़ना था। ट्यूशन में क्या था, इंग्लिश पढ़ना था, इंग्लिश थोड़ा सा मेरा ढीला था, अभी भी है। तो हमारे कौन सा अच्छा है गाइस, मम्मी से स्टोरी शुरू होती है। तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, मुझे ट्यूशन पढ़ना था, तो उसके लिए 250 रुपए फीस थी, तो वो फीस कमाना मतलब फीस देना था, तो मैंने एक महीना तो ज्वाइन कर लिया था। मम्मी ने मेरे को फीस बोला था दे देगी, लेकिन मम्मी फीस दे रही थी मेरे को शुरू में, तो 250 रुपए देना पड़ता था मम्मी को, जो कि मेरे को लग भी रहा था कि मम्मी बेचारी मेहनत करती है, 250 रुपए में एक हफ्ते का हमारा वो हो जाता था, सब्जी आता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मम्मी 1000 रुपए तो बचाती थी, उसमें से भी 250 रुपए मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ काम मिल जाए या कुछ हो जाए उसको 250 रुपए कमाने के लिए। मैंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, दुले सर, जो मैंने आप लास्ट स्टोरी में बताया था, तो मैंने स्टोरी उसको ग्रैब कर लिया और वो 250 रुपए कमाने लग गया, ठीक है। तो मेरे पास टाइम, अब जो स्टोरी वहां पे मैंने थोड़ी बहुत बताई थी, तो उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों को कि हुआ क्या था, वो 250 रुपए क्यों इतना इम्पोर्टेंट था। इट वॉज वेरी इम्पोर्टेंट मनी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप ही सोच लो, 250 उस टाइम, अभी के लोग को तो कुछ नहीं, उस टाइम बहुत था मेरे लिए, 250 रुपए बहुत ज्यादा था, हमारे लिए बहुत था। हाँ, क्योंकि मेरी ट्यूशन फीस जा रही थी 250 रुपए, तो वहाँ पे जाता रहा, फिर मैंने 250 रुपए से तीन जने को स्कूल फीस भी देना, इसको ट्यूशन फीस भी देना। पहला 250 रुपए मिला तो मम्मी को मैंने बोला कि ये पहली कमाई है, तो मम्मी ने बोला, तो वहाँ पे एक सीन ऐसा है कि मैं ना एक ही लोअर पहन के ना एक महीने तक जाता था स्केटिंग सिखाने के लिए, मतलब मेरे पास एक ही लोअर था। तो अब स्केटिंग में जॉब तो मिल गई थी दुले सर के थ्रू, बट अब कपड़ा क्या पहन के जाओ, वो था ही नहीं कपड़ा। तो दुले सर ने बोला कि यार एक लोअर पहन लियो रोशन, और एक टी शर्ट डाल लियो, कोई से भी टी शर्ट डाल लियो। मैं जाने लगा था, एक कॉलर वाला बोल रहे थे, कॉलर वाला बोल रहे थे, बट मैंने बोला कि मेरे पास तो है नहीं, तो उन्होंने बोला कोई से भी डाल ले अभी, तो मैं चला गया। तभी आप वो देख रहे हो, तो मैं चला गया और वहां पे जाके स्केटिंग हुई, बच्चों को स्केट्स पहनाना पहला वही काम शुरू हुआ था। और फिर धीरे धीरे मेरे को वहां पे उमेश सर भी थे, दुले सर भी थे, तो वहां पे मेरे को फिर वो 500 रुपए, 250 से मेरी सैलरी 500 रुपए हो गया 2-3 महीने में। तो जो 250 रुपए की सैलरी थी, तो मेरे एक महीने तक मैंने एक ही लोअर पहना कंटिन्यूसली। तो मम्मी ने बोला कि एक महीने आया मेरे पे, तो मैंने बोला मम्मी फीस दे दू, तो मम्मी ने बोला फीस मत दे, फीस तो मैं दे दूंगी, तो एक काम कर ले लोअर खरीद ले, क्योंकि तू जा रहा है तो एक ही लोअर पहन रहा है एक महीने से। और मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, वहां पे एक बच्ची थी प्रीशा नाम की, बहुत छोटी सी बच्ची थी, मुझे कहती थी सर आप हमेशा एक ही कपड़ा पहन के क्यों आते हो। तो मैंने उसको बताया, क्या बोला, मैंने बोला आपने कार्टून देखते हो, बोलते हाँ, तो आपने देखा कभी नोबिता अपने कपड़े चेंज करता है, कभी आपने देखा शिनचैन अपने कपड़े चेंज करता है, बोलती नहीं। तो मैंने बोला मैं वही हूँ, मैं नहीं चेंज करता कपड़े। एग्जाम्पल भी ऐसा था, बच्चा भी हाँ, बच्चा खुश हो गया, बच्चा बोलता अरे वाह। तो उसके बाद फिर 250 रुपए मिला, तो हम लोग गए, एक लोअर, एक नया सा टी शर्ट खरीदा हमने, बढ़िया एकदम बेहतरीन। फिर वही मैंने 250 रुपए से खरीदा, फिर धीरे धीरे 500 रुपए कमाए, फिर 500 रुपए कमाए तो 250 रुपए ट्यूशन फीस देता था, 250 रुपए से अपना वही जीवन काल चलाता था। फिर धीरे धीरे वही आगे बढ़े लाइफ में, फिर अब ये वाला चैप्टर यही खत्म करते हैं, फिर आगे आ जाते हैं जहां पे अच्छी इनकम जनरेट होने लग गई थी पैसे की स्केटिंग के थ्रू। तो गाइज उस टाइम क्या रहता था, अब 500 रुपए से 1000 आ गया, 1000 से 2000 बहुत धीरे धीरे बढ़े, लेकिन जो बढ़े लाइफ में बहुत ग्लोरियस है, मतलब मस्त है, मतलब जितना स्लोली बढ़ाओ ना उतना ज्यादा प्राउड फील होता है, मतलब इतना अच्छा लगता है
कि मतलब कुछ लगता ही नहीं है, मतलब एकदम धीरे धीरे 250-500 रुपए ऐसे कमाना शुरू किया मैंने लाइफ में, फिर 1500, 2000, 2500 मुझे पता है, 2500 मम्मी खुश हो गई जब मैं 2500 कमा था, 2500 लेके दिया ना, वो वाह काम तो कर रहे थे, कुछ पैसा कमा रहे थे तो अर्निंग हो रही थी, मम्मी की हेल्प कर रहा था, जो उनके हाथ का खाना था ना और टेस्टी लगने, मतलब एक अलग ही मजा आता था बैठ के खाने में, बात बात करने में ना, तो 250 से फिर 2500 हुआ स्टोरी में, फिर वो 2500 फिर 25,000 भी हुआ एक टाइम पे, जब स्केटिंग चलते रहे, फिर रौनक भी आया स्केटिंग में, सब कुछ हुआ। तो पहले मैं एक रोड में स्केटिंग सिखाता था, वहां पे 2500 में पहुंचा हूं, फिर धीरे धीरे वहां से एक छोटे से कोर्ट में गया, फिर वहां पे ज्यादा इनकम जनरेट हुआ, उस कोर्ट को हम लोगों ने अपने हाथों से ठीक भी किया है, जो पुरानी स्टोरी में हमने बताया भी है, राइट। उसमें तो बहुत लंबी स्टोरी, पूरा दिन खड़ा रहा हूं, उसको ठीक करवाया, उसको ठीक कराया हम लोगों ने। कुछ लोगों ने क्या थे, नफरत करते थे, उन्होंने कोर्ट में गड्ढा कर दिया, फिर हम लोगों ने खुद मतलब रेत वेत ले जाके हमने उसे पूरा भरा था, रात को बैठ के उसे फिक्स भी कराया। तो ऐसा नहीं कि बच्चों को पूरा दिल से स्केटिंग सिखाते थे, और बहुत सारे बच्चे अभी भी हमारे बहुत बड़े हो गए, अभी हमारा व्लॉग देख रहे होंगे, सो मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे गृताना, ये इनेश, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, अनमोल एक हमारा बहुत ही प्यारा सदा लड़का है, अनमोल है ना, तो वो बहुत ही तगड़ा स्केटर था, तो मान्य रिदम, वो बड़े बड़े हो गए, वो देख रहे हमारे बहुत ज्यादा। अभी ज्ञान याद होगा तेरे को, एक पहाड़ी अभिज्ञान ने, वो पीछे हमारी सोसाइटी के पीछे रहते हैं, हां हां, वो भी बहुत खतरनाक था। और एक बहुत ही प्यारा बच्चा कार्तिक करके अपना बहुत सीख रहा है, वो अभी सीखता है, कार्तिक बहुत ही प्यारा बच्चा है। एक बार एक सीन हुआ था कि हम लोग पहली बार कंपटीशन में गए थे स्केटिंग के, तो वहां पे मैं अपने बच्चों को लेके गया था, तो कार्तिक की मम्मी थी, तो जब वो सीखने आता था स्केटिंग, तो उनकी मम्मी हमेशा बोलती थी कि सर ये कर पाएगा लड़का, तो मैं बोलता था नहीं मैम कर लेगा, है हर कोई में कुछ ना कुछ होता है, बट एक दिन वो अच्छा करेगा। तो वो मेरे लिए लाइफ में एक बहुत ही चेंजिंग पॉइंट था, जब मैंने फर्स्ट टाइम एक बहुत ही अच्छा फील किया था। तो एक कॉम्पिटिशन में हम लोग गए, वहां पे कार्तिक भाग रहा था, और वो फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल जीता था या सिल्वर मेडल जीता, आई डोंट नो, बट वो जो भी मेडल जीता उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी मतलब जो मैम थी वो आई मेरे पास में, उनकी आंखों में आंसू थे, और मैं उनको देख के इतना इमोशनल हो गया, मैं रोने लग गया, मतलब मेरे अंदर ऐसा भर गया दिल मेरा एकदम प्यार से, खुशी की खुशी, मैं बोलो वाह। तो फिर मैंने उस काम को बड़े ही शिद्दत से किया था, जितने बच्चे तैयार किए, बहुत मजा आया, अभी भी कर रहा है कार्तिक, ऑल द बेस्ट ब्रदर। स्केटिंग ने सब कुछ दिया है, वहीं से मतलब 250 से 2500 जैसे मम्मी ने बताया, फिर 2500 से 25,000 तक गया हूँ, धीरे धीरे हर जगह एक मतलब बहुत स्लोली ग्रोथ किया, बट इट वॉज वेरी ग्रेट। पहले हम लोग 37 में सिखाते थे, फिर 93 आए, 93 में 3-4 क्लासेस मिले, फिर वहां पे काम किया, बहुत सारा काम किया, फिर वहां जाके हमने बहुत सारे पैसे कमाए स्केटिंग के थ्रू ही। फिर मैंने आप लोगों को जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, कॉलेज भी गया था मैं, तो कॉलेज खत्म करता था, फिर आता था, फिर क्लास लेता था, जैसे रौनक की स्टोरी बताई थी रौनक ने, तो मेरी भी सेम ऐसी थी, सुबह उठता था, कॉलेज जाता था, मतलब 10 बजे पहुंच जाता था कॉलेज, 10 बजे से 3 बजे आता था वापस घर, फिर 4 बजे से क्लास लेना शुरू कर देता था, 4 से 9 क्लास होती थी, फिर वापस घर आता था, वही लाइफ जैसे मैंने जिया, वैसी से 3 साल गाइस थ्रू आउट यही किया है। पहले 1 घंटा यहाँ क्लास लेता था, फिर 1 घंटा कुछ, एक ऐसा टाइम भी था जब साइकिल भी नहीं था, तो साला पैदल भाग के जाता था मैं क्लास लेने के लिए, पहला साइकिल, हाँ हाँ यार ये तो बताना भूल गया यार, मैं देख रहा स्टोरी भी अपना ऐसे नहीं कोई लेके बैठा हूँ की पूरा लेके बैठा हूँ, कैसे बताना है, जैसे अभी एकदम से याद है मम्मी की बात, तभी मम्मी को लेके बैठा हूँ, बिकॉज मैं कुछ चीजें भूल जाता हूँ ना कि क्या क्या किया है, कुछ चीजें भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि याद तो रहता, बट बहुत सारी चीजें, जैसे साइकिल वाली बात एकदम से याद आई, क्योंकि मेरे को याद है कि पहले मेरे पास साइकिल भी नहीं था, तो बड़े मुश्किल होता था, बड़े तो मुश्किल से सासरी खरीद के दिया था, मेरे गुरसत पाजी से लिया था साइकिल, सेक्टर जाता था साइकिल लेके, तूने ठीक है, आप सोचो कि आप ही सोचो कितना दूर है 15 सेक्टर, है ना, रोड साइकिल से तो बहुत दूर है भाई, हम बाइक से हमें दूर लगता है, धीरे धीरे बाइक खरीदा, धीरे धीरे बाइक लिया, फिर एक इससे बढ़ते गए ना, लोग सोचते आजकल का लोग क्या सोचते कि एकदम से पैसा कमाओ, एकदम से बड़ा आदमी बनो, लेकिन इन लोगों ने ऐसे नहीं कर, धीरे 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 सीढ़ी चढ़ रहे, अभी भी चढ़ना बाकी है, धीरे धीरे, लेकिन एकदम से चढ़ना ठीक नहीं है, धीरे धीरे स्टेप चढ़ो, धीरे धीरे चढ़ लंबा रेस का घोड़ा बन जाता है, समझ रहे हो, इन्होंने यही करा है,
एक रूम में इतनी से रूम में रहते थे, दो बेड लगाए थे, मगर जैसे ट्रेन में चलते ऐसे में सोते थे, फिर थोड़ा सा बड़ा लिया, थोड़ा सा बड़ा लिया, थोड़ा सा बड़ा लिया, इस तरह से चले। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग आगे ग्रो कर रहे हैं और आप लोगों को दिख भी रहा है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और उसके लिए आप लोग भी आजकल क्या है ना, अभी हम लोगों ने जितनी मेहनत की अपने हाथों से किया है, मम्मी हमेशा मेरे को अच्छी चीज सिखाती थी, मम्मी बोलती थी ये हाथ है फैलाना नहीं, हमेशा मेहनत करो, तो वही मेहनत करते रहते थे और काम में लगे रहे, फिर हाथ से कमाया। किसी से झूठ बोलना नहीं, किसी से हाथ फैलाना नहीं, ठीक है, मेहनत करो और खाओ, बस यही, झूठ नहीं बोलना, वही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही सिखाया, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, और दूसरा को बिना बेकार में सुनना भी नहीं, परेशान भी नहीं करना, जो आपने गलती करा वो सुनना है, जो बिना गलती करे कोई किस किस कर, इस बातें तो बहुत लड़ाई भी हो गया मेरा बहुत है, तुझे पता होगा ना, बहुत बड़े बड़े काम करा है मैंने, बाइक भी सीज कर दिया मैंने, भाई मैंने बाइक भी सीज हो रखा है, बहुत लंबी, मम्मी तो बहुत लड़ती है, आप लोग जानते नहीं हो, पुलिस वाले जाके लड़ गई थी, पुलिस वाले से लड़ लिया तो बाइक सीज कर दिया, मेरी भी गलती थी उस टाइम, मेरे बाइक का पेपर कंप्लीट नहीं था और घर में पेपर था, घर में पेपर था बट किसी ने सुना नहीं मेरी बात, जाओ दिखा दो, अब जाके दिखा दो, नहीं वो पुलिस वाले ने और वहाँ लड़ाई करके कोई गया और पकड़ लिया सीधा सदा को, ठीक है, और मैंने तमाशा लगा दिया वहाँ उस दिन, इसीलिए मैंने फाइन भी भरा अच्छे से सेक्टर 39 थाना में, सही है, एकदम सही है, ये सही है। सो गाइस एक मतलब 250 रुपए कमा रहा था, तो मेरी एक स्टोरी है, 250 रुपए कमाने के लिए आप लोगों को लगता है कि 250 रुपए कैसे ऐसी, मतलब इजी था, इजी नहीं था गाइस, साइकिल भी नहीं था, बहुत दिक्कत थी, तो पहले 250 रुपए जोड़ जोड़ के 750 रुपए किया, 750 रुपए से फिर एक साइकिल खरीदा था मैंने, फिर वो उसी को चला के जाता था, 50 में जाता था, तो ये सेक्टर 31 से 50 में जाता था, दोपहर में धूप में कभी भी उस तरह ट्रैवल कर सकता, फिर उसका धीरे धीरे बाइक लिया, जैसे मम्मी बता रही थी अभी कि बाइक भी लिया, सब कुछ धीरे धीरे बढ़िया हो गया। तो यही था बेसिकली, क्या है स्टोरी, ये है कि यार कभी भी तुम कुछ भी करते हो ना, हार नहीं मानना, अपने आप को हमेशा लेके चलना, ये नहीं सोचना कि तुम अभी 250 रुपए कमा रहे हो 300, तुम बस लगे रहो, यू विल रीच देयर, बस मेहनत से लगन से अपने बेस्ट करते रहो, और अपनी माँ को या फादर जो भी, अपने घर वालों को हमेशा खुशी दो, जितना हो सके इनको सपोर्ट करो, तुम अपने अभी लाइफ में ग्रो करोगे गाइज, ये मेरा एक फंडामेंटल, मेरा अपना एक सेट है कि अगर तुम दूसरों को खुशी देते हो तुम खुद लाइफ में आगे बढ़ते हो, मेरे को ऐसा फील होता है अंदर से, तो मैं वही कोशिश करता हूँ, जितने भी आसपास के लोग हैं उनको खुश रखूं, अच्छा फील कराऊं, हैप्पी रखूं, और बस दैट्स इट। सो गाइस इतनी थी स्टोरी मेरी, और अच्छा आप, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट डाउन बिलो, और अगर आप लोगों ने कुछ सीखा है इसमें तो प्लीज बताना, वैसे मुझे पता है हर किसी की अपनी स्टोरी बढ़िया है, आप लोगों ने भी स्ट्रगल किया जैसे मैंने पहले बताया, सो गाइस लव यू, उसके लिए आप लोगों ने गुड, बहुत अच्छा स्ट्रगल किया, अपने मम्मी पापा को खुश रख रहे होंगे, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वीडियो। तो हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर देंगे एक गाने के साथ, गाना क्या है, नम तम तम रम तम तम रम तम 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 रम तम तम रम तम 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 नम 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 नम, अरे ओ जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मनमोजी। आज रोशन भैया को दिया पूरा व्लॉग, और रोशन भैया ने अपनी स्टोरी बता दी, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप लोग भी जो सपोर्ट कर रहे हो ना, पहले तो हाथों से बहुत मेहनत करके कमाया, लेकिन आजकल आप लोग जो हमें सब्सक्राइब कर रहे हो, लव दे रहे हो, थैंक यू सो मच, इससे भी हम लोग आगे ग्रो करेंगे, अभी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके आगे बढ़े, ग्रो करे, उसके लिए थैंक यू सो मच, इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहो, लव यू। So guys, this is it for today's video. I hope so आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, गाइस जाके जरूर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, लव यू गाइज एंड गुड नाइट, बाय बाय। मैं भूख लग गया।